हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज बिहार की। जी हाँ, बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने बदल दिया है अटल पार्क का नाम। अब इसका नाम होगा कोकोनट पार्क। आज एक ऐसी न्यूज निकलकर सामने आ रही है जो बदला लेने के भाव से नजर आती है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कई जगह का नाम, जो प्राचीन नाम थे उनको लाया था सामने, मतलब जो नाम बदल गए और अंग्रेजों के नाम रख दिए गए थे, कई जगह मुगलों के नाम रख दिए गए थे, उनका नाम बदल कर जो हमारे प्राचीन नाम थे उनको रखा गया था, और कई जगह हमारे सम्माननीय नेता जो थे उनके नाम बदल कर रखे गए थे। तो ऐसे ही एक कंकड़बाग में स्थित एक पार्क था जिसका पहले से नाम था कोकोनट पार्क। 2018 में इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया गया था। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी नाम किया गया था, ये नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा ही किया गया था, लेकिन उस समय नीतीश गवर्नमेंट बीजेपी के साथ थी। लेकिन अब तेज प्रताप सिंह जो आरजेडी के हैं, वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर इसका नाम बदलकर कोकोनट पार्क करने का ऐलान कर दिया है। बिहार सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप ने पटना के अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम बदल दिया है। अब इस पार्क को कोकोनट पार्क से फिर से जाना जाएगा। कंकड़बाग में स्थित इस पार्क का नाम पहले कोकोनट ही था। 2018 में इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया गया था। अब तेज प्रताप ने इसका नाम बदलकर कोकोनट पार्क करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने साधा नीतीश सरकार पर निशाना, वो तो जरूरी है, नीतीश कुमार पे बीजेपी सरकार जरूरी निशाना साधेगी, क्योंकि उन्हीं की सरकार ने जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया था, नाम रखा था पार्क का, वो उन्हीं की सरकार ने रखा था। पार्क का नाम बदलने को लेकर अब बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि 2018 में इस पार्क का नाम कोकोनट पार्क से बदलकर अटल बिहारी पार्क कर दिया गया था, मगर तेज प्रताप यादव एक बार फिर से इनका नाम कोकोनट पार्क कर दिए हैं। इस तरह नीतीश कुमार अटल जी की समाधि पर माल्यार्पण करते हैं और दूसरी तरफ तेज प्रताप ने पार्क का नाम बदल दिया है। यह दोरंगी सरकार है। उन्होंने कहा बीजेपी इसका विरोध करती है और मांग करती है कि इस पार्क का नाम ना बदला जाए। पार्क में अटल की मूर्ति है मौजूद। अभी फिलहाल हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का पार्क का नाम बदलकर भले ही कोकोनट पार्क कर दिया हो, मगर पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की बोर्ड अभी भी पार्क में लगा हुआ और वाजपेयी जी की मूर्ति भी पार्क के अंदर लगी हुई है, और इन दोनों के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है, औपचारिक तौर पर इसे बदलते कब हैं और कब इनका बोर्ड वगैरह जो पार्क का है वो हटेगा, उससे समझ में आ जाएगा कि नाम चेंज हो गया है। वैसे आप तो ये लल्लू मियाँ को जानते ही होंगे, बड़े बड़े बातें करने वाले ये तेज प्रताप जो यादव हैं, तो इनका कुछ काम धाम तो है नहीं, बस ये इनका एक ही मोटो है, जो भी गवर्नमेंट ने की हो बीजेपी ने उसके उल्टा काम करना है, तो इन्होंने ये उल्टा काम करके दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।